आपने अभी तक कहीं ना कहीं एनडीए की बैठक होनी है, बैठक में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप? अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़ी होती है। कर रहे हैं तो उनका मामला है, हम तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे ना, तो सब बात मीडिया से शेयर की जाए, जरूरत तो है नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद शामिल हो रहे हैं में ही जाएंगे तो ही है। नहीं अब शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। ऐसा आप ही लोग खबर फैला देते हैं, उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया, सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी है। तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके बाद चीज़ें बस्ती कहाँ हैं, स्पष्ट है। देखिए अब अलग बात है, अब तो चुनाव की तैयारी के हिसाब से सभी दल के लोग सोच रहे हैं, तो अपनी अपनी किलेबंदी की कोशिश है, तो उसमें विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की स्थिति अब दिखावे के लिए भले लोग कोशिश में हैं कि एकता की बात दिखे, लेकिन सच में आपस में जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है, मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं, कोई वैकल्पिक एजेंडा की बात नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी, तो कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं निकलना। एनडीए की बैठक होनी है, बैठक में आप शामिल होंगे, बैठक में जाएंगे आप? अब सब चीज की जानकारी हमेशा दिया जाए मीडिया के माध्यम से, इसकी कोई आवश्यकता थोड़ी होती है, इसकी कोई आवश्यकता और सब तो दल दे रहे हैं आपको। और लोग क्या कर रहे हैं तो उनका मामला है, हम तो सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे ना, तो सब बात मीडिया से शेयर की जाए, जरूरत तो है नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद शामिल हो रहे हैं में ही जाएंगे तो ही है। नहीं अब शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही तो हमने कहा कि अब आपके हर सवाल का जवाब या फिर हम क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं इसका खुलासा हमेशा समय से पहले किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। ऐसा एक सवाल है, देश में दो विचारधारा है, एक है मोदी लाओ, एक है मोदी हटाओ, आप मोदी हटाओ के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं भैया? हम तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार किसी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी में है? हाँ भाई बिल्कुल, अभी तो हमने कहा कि कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास, कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है, मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं ना है। जनता के सामने जब तक वैकल्पिक एजेंडा, ठोस एजेंडा लेकर कोई विपक्ष बात न करे तो फिर कहाँ से उस पर जनता का ध्यान ही नहीं जाएगा और चुनाव में कोई इशू ही नहीं बनता। नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमने कहा ना कि 2024 में कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के नेता की जिस तरह से लाठीचार्ज में मौत हो गई, लगातार सरकार जो है लगातार करेगी जाँच हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि न्यायिक जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्या आपको लगता है कि? देखिए निश्चित रूप से अगर प्रभावित पक्ष को भरोसा नहीं है किसी जांच एजेंसी के ऊपर तो उस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। देखिए न्याय सिर्फ हो ही नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखे यह भी आवश्यक होता है, क्योंकि लोगों का भरोसा होगा तभी तो न्याय की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तो इसलिए अगर संबंधित पक्ष को लगता है कि इससे न्याय नहीं मिलना है तो जो लोग चाहते हैं उसके आधार पर सरकार को ध्यान दे करके और निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए
जनता के बीच आ जाए इसकी आवश्यकता लगता है। सर इस तरह की एक सर सवाल है मेरा, इस तरह की घटना हुई है कि एक सवाल लेने को भाई एक सवाल है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात हो रही थी लेकिन अब सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है, अब तमाम दल कह रहे हैं कि सोनिया के नेतृत्व में होना चाहिए, तो नीतीश जी का क्या होगा? देखिए आप ही लोग खबर फैला देते हैं, उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया, सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके बाद चीज़ें बसती कहाँ हैं, स्पष्ट है। कल एनडीए की बैठक में शामिल हैं। अरे सवाल हो गया। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।